जुड़िया प्रोग्राम में किस्सा, खेल गीत और बुझावल पर चर्चा करब जा। चलो देखे जा किस्सा के कुछ दृश्य जो बनैले हवन दूषण सितोहल। एक क्रोध पर आधारित है। क्रोध, क्रोध मानव जाति के सबसे बड़ा दुश्मन बा। जेविन हमेशा अपन बाप पर नाज करत रहल। ओकर बाप ओकर लिए एगो सुपर हीरो रहल, बहुत ही ताकतवर, सुंदर और बुद्धिमान। पर एगो चीज नहीं अच्छा रहल ओकर संगी, ओकर क्रोध। क्रोध में चल आए तो मानव सब कुछ बिगड़ जाए। ई कारण ओकर से भय करत रहल। एक दिन बाप और बेटा टीवी के सामने बैठ के फुटबॉल मैच देखत रहलन सब। ई प्रोजेक्ट पर दूषण सितोहल लगभग 2 बरिस से काम करत हवन। एक प्रकार से ई भोजपुरी भाषा के जीवित रखे खातिर है। एक दिन में हम शो स्टोरीज पर काम करते हैं। शो स्टोरीज जो एग्जिस्टिंग है, जैसे कि कछुआ और खरगोश के कहानी। बचपन जब ई कहानी देखी तब ओके समझ में आई ई भाषा कले कले। शुरुआत में तो कुछ कुछ शब्द ओकर खपार में आई, लेकिन धीरे धीरे वो भाषा ओकर दिमाग में ज़रूर आई। तो यही कारण हम बोलते हैं कि अगर ई भाषा के जीवित रखे के भविष्य में, तो हम के चाहेला बचपन के ऊपर काम करे के। तो यही हम करते हैं एक दिन के जरिए। अभी तक हम 12 कहानियाँ बना चुके हैं। तो कले कले और कहानियाँ बनावत हैं हमार संगतिया लोग के संगे। ई कार्यक्रम बनाने खातिर बहुत काम बा, बहुते काम बा। कहानी लिखे के, स्टोरी बोर्ड करे के, चित्र करे के। हर कहानी में कम से कम 50 पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स और पेंटिंग्स हैं। इके बाद हमके चाहेला रिकॉर्डिंग करे के, वॉइस ओवर करे के, स्टोरी के जैसे बोलेलन सा, स्टोरी के जैसे बोलेलन सा ओकर आत्मा में घुसे के, तो एक्टिंग करे के वॉइस के जरिए। तब जेविन अपन बापू से पूछ ले हर, बापू वो बेंच अच्छा एगो निमन आदमी है। बापू बोललक, हाँ बेटा, लेकिन काहे हमार संगे ई बात पूछत हुआ। इके बाद हमके चाहिला म्यूजिक डाले के। कौन म्यूजिक ई कहानी के ऊपर ज्यादा जचेगा। फिर ओकर बाद आवेला एडिटिंग। तो जब रिकॉर्डिंग होत बा, वॉइस ओवर होत बा, चित्र पेंटिंग्स सब होत बा, तो हमके चाहला सब मिल के एडिटिंग करे के। तो ये भी कोनो आसान काम बा नहीं बा। एक प्रोग्राम 5 मिनट्स के है, लेकिन कम से कम 2 हफ्ता लगेला ये काम करने। किस्सा सदियों से हमने के संस्कृति में, हमने के हर रोज के जीवन में, हर एगो सभ्यता में एगो महत्वपूर्ण स्थान रख लेबा। पहले के जमाना में बहुत कम मनोरंजन रहल। तब हमने के पूर्वज लोग तनी जब समय मिले, खास तौर पर रात के, सांझ के, सब परिवार के एकजुट करके, खास तौर पर हमने के लड़का के किस्सा सुनावत रलन जा, और वो किस्सा से कुछ न कुछ सीख निकालत रलन जा, जिससे कि परिणाम भी अच्छा होत रहल। जैसे कि बुरा करबा त परिणाम ठीक नहीं रही, अच्छा करबा त अच्छाई के रास्ते पर चलबा त परिणाम ठीक रही। किस्सा कई सभ्यता से हमने के जीवन में चलल आलबा, धीरे धीरे कई रूप एकर लेके प्रचलित होलबा। किस्सा बोलबा, कहानी बोलबा, वो लगभग हवे है। एकर में कबो जैसे कोनो चीज कोई के जनाए के रहेला, कोनो चीज सिखाए के रहेला, खासकर लड़का लोग के एगो चीज नहीं देखले हुई अंजा या फिर नहीं जाने लंजा, ओकर पीछे कोनो चीज लिखवा के जनाए खोजबा, तो किस्सा बना के लड़का के सामने रखल जाला, बड़ा आदमी लोग के आगे भी। भोजपुरी में इज्जती होल बा, काहे कि हमनी के जो भोजपुरिया लोग भारत से अगर देखा जाए मॉरिशस में आ रहा जा, एकर में बहुत कमती जना पढ़ल लिखल रहन जा। तो ये लोग कहानी पुस्तक में नहीं पढ़ले होवन जा, कोनो चीज सुनले हो जा तो अपन लड़का के सुनैन जा, उ लड़का अपन अपन संगतिया के, अपन भाई के सुना, अपन बहन के सुनाए, तो इसे किस्सा आगे बढ़ लेगल। तो भोजपुरी में एक जस्ती महत्व ई है, काहे कि ई मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशंस के आगे लेके गल, और एकर में ढेर कुछ भोजपुरी में सीखे के मिलल। किस्सा संगे गीत बनल,
किस्सा संगे कहानी तो बनबे करल और बहुत कुछ आगे आगे बढ़ल। बाद में चल के किस्सा के ओकर बनावल गल लिखल गल तब साहित्य में लिटरेचर में ओकर कहानी बनल। भोजपुरी के हमनी के जब स्कूल में आनल जात बा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में भोजपुरी संस्थान भी छोटा छोटा किस्सा बनावता। प्राइमरी स्कूल में भोजपुरी के सीख के इस्तेमाल करे में तो उ कहानी में लड़का लोग खुशी खुशी देखियन जा तो लोग ई भाषा के जनियन जा थोड़ा बहुत सुनियन जा और जोन चीज छोटा छोटा बात बाव कर में सकन जा बाद में उ बोले। सनी और मनी एगो हंस रहल ओकर दूगो बच्चा रहल एगो करिया और एगो उजर। करियक्का बच्चा के नाम रहल सनी, उजरका के नाम रहल मनी। सनी ढीठ रहल, ओहन माँ के बात नहीं सुने। हे सनी, हम ललका का मन ले। तब सनी जवाब दिलक, नीलका कमल हमर ह। ए लड़का लोग, उ कमल के धीरी नहीं जाया सर, हुआं जान के खतरा बा। बकी सनी के मन नहीं मनलक। दूसर दिन सनी लुकैते लुकैते कमल के भीड़ी गल। बहेलिया सनी के गर्दन छोड़ देलक। ई घटना के बाद सनी भी अपन माँ के बात सुने लगल। बुझावल खाली खेल नहीं है, लड़का लोग के रुचि बढ़ाए खातिर है, दिमाग के और काम कराए खातिर है, साथ में भोजपुरी भाषा के आगे भी बढ़ावे खातिर ये एगो माध्यम है। शब्द ही है बुझावल। बुझावल मतलब वो बनल बा बुझे से, मतलब एगो प्रश्न पूछल जाला तो लड़का लोग या किसी से भी हम लोग जो है ओकरा बोले सक मजे का है बुझा ई कोची प्रश्न करनी है तो ई एगो तरीका है हमनी सकब से एकरा शिक्षण में भी प्रयोग करे। देखब शिक्षण के अनेक विधि बा, जैसे बा कहानी एगो विधि है, नाटक एगो विधि है, कविता एगो विधि है, तो हमनी सकब से बुझावल भी एगो विधि के रूप में उसका प्रयोग करे के। काहे हमनी जब शिक्षण में चाहिला विविधता, मतलब ओकर में वेराइटी चाहिला, जब क्योंकि वेराइटी ये एगो सिद्धांत है कि एगो विधि में जब विविधता रहेला तो लड़का ओकरा ज़्यादा रुचि से ओकरा ओकर मनोरंजन होला और ये रुचि लेवेला उ विधि से पढ़े के। और बुझावल के जरिए हम लोग जनबा हमनी लड़का के मस्तिष्क के ओकरा हमनी डेवलपे ओकरा विकसित करी ले जा। काहे बस कि जब एगो प्रश्न करनी जा तो लड़का जनबा वो अपन मस्तिष्क पर जोर डालेला कि हाँ ई कोची है। अब यही नहीं हमनी एगो दूसरा शिक्षण सूत्र जनबा हमनी से अभी करी ले जाए कर में उ है एनालिसिस से सिंथेसिस से, मतलब विश्लेषण से संश्लेषण। क्योंकि जब प्रश्नवा होल बा तो लड़का हौ प्रश्नवा के ओकर बुध बुध ओकर टुकड़ा टुकड़ा ओकर एनालिसिस करके तब उ उत्तरवा ढूंढेला। तो ये एगो शिक्षण सूत्र है कि फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो बुझावल बोलती है चारों बगल नाच के कोना में हो जाइला। अब देखा अब लड़का जोन बा वो एनालिसिस करी है प्रश्नवा के चारों बगल नाच के, मतलब उस सोची कुछ है चारों बगल नाच के और कोना में आके हो जाइला। तो फिर एनालिसिस कोना हो तो अब घर में हमर माता जी सगरो झाड़ू लगावेला, फिर कोना में आके रख देवेला, तब उ एनालिसिस करके है उत्तरवा ओकरा मिली। ई बुझावल एगो बहुत उत्तम तरीका है हमनी के लड़का में एगो तक ओकर रुचि उत्पन्न करे के। और देखा हमनी जब पढ़ाव जा बुझावल के जरिए तो हमनी सकब से टोली में लड़का लोग के बाँट दी है टोली है टोली ब है टोली स है, तो उ लोग में अब एगो एक तरह से होड़ रही
एक तरह से प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन रही कि हम सबसे पहले हम जवाब दे हमार टोली सबसे पहले जवाब दे, तो उन लोग में एगो स्वस्थ एगो हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप हुई। बुझावल के जरिए जो उबाऊपन मान लो लड़का लोग पढ़ले गलन सा एगो तनी उब गल हवन सा, तो बुझावल के जरिए हौ उबाऊपन हौ जो मोनोटोनी है हमनी सकब से दूर करे और लड़का लोग फिर से अपन दिलचस्पी ले लगियन सा अपन कक्षा में। बुझावल खाली खेल नहीं है, बुझावल बुझेलन सा हमनी के पढ़ाई में भी बीए हिंदी जो नयका लोग करता आजकल बुझावल के ओकर में इस्तेमाल होता। चलिए आगे बढ़ती हैं। महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी और लोक संस्कृति विभाग जिले से एगो मुजुल के पढ़ावत हैं जा जेकर नाम है एन इंट्रोडक्शन टू भोजपुरी लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ओकर में भोजपुरी भाषा और उस संस्कृति पर जस्टी बल
देवल जाला, संगे संगे लोककथा, लोकगीत, भोजपुरी बुझावल आदि पर विशेष ध्यान देवल जाला। तो भोजपुरी बुझावल जोन है छात्र लोगन बहुते दिलचस्पी से अपन असाइनमेंट करेलन जा, दिलचस्पी दिखावेलन जा, साथ ही साथ उकर में जोन विशेष गुण है जैसे बोले रनी संगीतात्मकता जोन बातें उकर के जो सॉल्व करे के पड़ेला, तो उ लोग बहुते खुशी खुशी सीखेलन जा। खेल गान, खेल गीत गा गा के हमनी के पूर्वज लोग लैका लोग के पढ़ावत रलन जा। ई भी लैका लोग के विकास खातिर एगो माध्यम रहल और ई माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय में वही गीतवा हमनी सुन के बड़ा लोग से हवे हमनी के खेले के एगो अथी रहल, माध्यम रहल हमनी के खेले के, सुने के, उ गीत गा के लम्बा रही गीतवा बाकी हमनी सुन के सीख ले वाली सा। इमें गीत रहेला अथी राजा रानी के खिस्सा रहेला, जैसे उ घेरा डाल के खेले के उमें कोई के पकड़ के उमें जीत रहे बतावल जाला कि कुमारजा ओकर माध्यम से उ गीतवो सीखे और ओकर से उ सीखे कि ओकर जीत कैसे हुई, कैसे हर एक उपाय एक कुसुद जाए कि कैसे उमें से निकल के चल जाए, वो कैसे बच जाए। तो उमें हो जैसे घुरघुर रानी रहल, उमें सीखत रही सर कि कैसे रानी के घेर ले ले रहल दुश्मन लोग, कैसे ओके खेल के, कैसे ओके बचा के, ओके लेके चल जाते रही सर। तो वहाँ से इसे बहुत और बहुत खुशी रहे लड़का लोग है गीतवा, यही एगो गीत रहल कि कुमार लड़का लोग खेले अच्छा खूब मिल के रहतलन सर, खूब हंसी ठट्ठा करतलन सर, खूब अच्छा से लोग छोटा लड़का बड़ा लड़का सब मिल के खिलतलन सर। रानी हमर रानी घूर घूर रानी कितना कितना पानी, पानी हो पानी एरी इतना पानी, एरी इतना पानी घूर घूर रानी, रानी हमर रानी घूर घूर रानी कितना कितना पानी, पानी हो पानी खेउन इतना पानी, खेउन इतना पानी घूर घूर रानी, रानी हमर रानी घूर घूर रानी कितना कितना पानी, पानी हो पानी कमर इतना पानी, कमर इतना पानी घूर घूर रानी, रानी हमर रानी घूर घूर रानी कितना कितना पानी, पानी हो पानी छाती इतना पानी, छाती इतना पानी घूर घूर रानी, रानी हमर रानी घूर घूर रानी कितना कितना पानी, पानी हो पानी गल्ला इतना पानी, गल्ला इतना पानी घूर घूर रानी, रानी हमर रानी घूर घूर रानी कितना कितना पानी, पानी हो पानी मूरी इतना पानी, मूरी इतना पानी घूर घूर रानी डूब गई रानी, घूर घूर रानी डूब गई रानी, डूब गई रानी, डूब गई रानी। हाँ लड़का लोग कुमार से जब लोग खेले तो अपन घुटना बोले तो अभी एगो लड़का घुटना, घुटना जान जाते रहन सर, ठेवनी जान जाते रहन सर, कमर इतना पानी, गला इतना पानी, कपार इतना पानी, सब भोजपुरी में बोलत रहन सर, कोनो दूसर भाषा में नहीं बोलत रहन सर, भोजपुरी में सब कुछ लड़का लोग सीख लेवे। तो उसे वो लोग भाषा सीखे, उसे वो लोग कुमार से अपने में बतिया के सीखत रहन सर, बड़ा से सीख ले वतलन सब बतिया के खेले के। मैं एगो खेल रहा घर में बैठ के खेलत रही सर, उका बुक्का तीन तलू का लवा लाटी चनन काटी इजल बिजल पान फूल, तो उमे लड़का लोग बैठ के ना हमनी आठ दस गो लड़का बैठ जाते रही सर, पड़ोसी के लड़का लोग अथी घर के लड़का हमनी संयुक्त परिवार के लड़का ढेर रहा, तो बैठ के तो हमने हथुआ से पिचका देव सर, तो बोलब सर अब है ऐसे करके बैठब सर, तो बोलब सर है दुअरिया पिचका हो दुअरिया पिचका, तो अब बोलब सर सबके हथुआ लेके अथी करके ऐसे बोलब सर इजल बिजल पान फूल ऐसे बोल के, तो फिर बोलब सर वो लोग के कान पकड़ के हथुआ एक गो ऐसे पकड़ के लैका कान पकड़ब सर, तब बोलब सर चुनटी के झगड़ा छोड़ा दे मामू, चुनटी के झगड़ा छोड़ा दे मामू ऐसे बोलत रही सर हमनी, तब फिर थपड़ी बजाब सर सबके कान छोड़ देवे। चनन वा मैं का बा, इजर बीजर पा।
पचका दे, ई दरिया पचका दे, ई दरिया पचका दे। ई मरीज के इलाज करी, ई त डॉक्टर बनी, ई हवाई जहाज चलाई, ई त पायलट बनी, ई कविता लिखी, ई त कवि बनी, ई सब्जी रोपी, ई त खेतीहर बनी। ताती ताती पूरिया घी में चबोरिया, हम खाई भौजी खाई, भौजी पतरंगिया। ताती ताती पूरिया घी में चबोरिया, हम खाई भौजी खाई, भौजी पतरंगिया। घर का मोरिया चुंटी के झगरा चोराओगे मामू, 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 चोराओगे मामू, चोराओगे मामू, मामू हो मामू, मामू हो मामू, मामू हो मामू, मामू हो मामू, चुंटी के झगरा चोराओगे 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 मामू। अच्छा बा लड़का लोग जानी मिल के रहे के जानी के लड़ाई झगड़ा नहीं कर, वो मन हो बहुत अच्छा बाटे, वो सब लड़का मिल के रही, खेली, अति अच्छा संबंध बनल रही खिलवन से, बहुत अच्छा बा। जोन सिंगिंग गेम्स है गीत के जरिए जो खेल में हमने अति लड़का लोग के सिखाएल सर, तो एकरो ओकर शैक्षिक महत्व बा, मतलब ओकर एजुकेशनल इम्पोर्टेंस बा। देखा ऐसा होला कि हमने जब अपन चॉक एंड टॉक करी लसा, मतलब वो मेथड हमने अपनाई लसा, तो तनी लड़का लोग उतना दिलचस्पी नहीं ले वेलन सा। मैं हवे बतवा मान ला कैसे सच्चाई के बात सच बोले के ओकर हमने एगो आदर्श प्रस्तुत करे को जाते हैं सा, तो ओकरा हमने सकब सा क्लास में एगो लेक्चर के माध्यम से ऐसे बोली। मैं हवे बतवा कि हमने के चाहे सच बोली कि एगो गीत के जरिए हमने लड़का लोग के सिखाब सा, तो लड़का बहुत आसानी से ओकरा पकड़ ले, और क्योंकि गीत में राग है, तुख है इत्यादि, तो ओकर में याद करे के आसानी होला। तो हमने एकर प्रयोग जो सिंगिंग गेम्स बा एकर बहुत सफल हमने के सकब सा एकर प्रयोग करे। अब देखा मान लिया अंताक्षरी, अंताक्षरी का है सिंगिंग गेम है, तो हमने अंताक्षरी भी सकब सा भोजपुरी में प्रयोग करे, ग्रुप बना के टोली बना के एक एक ग्रुप हमने अंताक्षरी सकब सा करे, तो अंताक्षरी भी हम सोचिला कि वो भी सिंगिंग गेम्स के अंतर्गत आवेला, और एकर प्रयोग हमने बहुत अच्छी तरह से कर सकब सा करे, लड़का लोग एकर में दिलचस्पी ले, और सिंगिंग गेम्स के जरिए जो भी हमने पाठ पढ़ाव सा वो ज़्यादा स्थायी रही हमने के लड़का के निमान। आजकल जमाना नया बा, ऊंच टेक्नोलॉजी का जमाना बा, लेकिन किस्सा खेल गीत और बुझावल वही पुराना बा, परंतु ओकरा दिखाए के माध्यम अलग हो गल बा। माध्यम है टीवी, रेडियो और इंटरनेट।